बन रहा है, लोग बना रहे, कमा रहे, बस कहीं ना कहीं जो FNO में जल्दी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल विपुल दिस साइड। चलिए देखते हैं कल मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है। हम ऑप्शन चेन डिकोड करते हैं, मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं, और कुछ अपडेट्स आ रहे हैं मार्केट में, चल रहे हैं है ना, कुछ इंटरव्यूज देखे मैंने फाइनेंस मिनिस्टर के, थोड़ा सा मैं उसी के बारे में थोड़ा यहाँ पे पढ़ रहा था है ना, कि क्या बोला है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को लेके। बहुत कुछ चीज़ें आई मिडिल क्लास को लेके, एक आर्टिकल था ये मैं पढ़ रहा था। सो समहाउ एक इंटरव्यू में उन्होंने बोल दिया दैट फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इज़ नॉट फॉर मिडिल क्लास पीपल है ना, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इज़ नॉट फॉर मिडिल क्लास। तो भैया देखो, जो रिच लोग हैं उनको ऑलरेडी टैक्स में एग्जम्पशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो गरीब है उनके लिए बहुत सारी योजनाएं आपने ऑलरेडी बना के रख दी है, बीच में बचते हैं मिडिल वाले, ठीक है। तो जब ये थोड़ा बहुत अगर इधर उधर से देखते, आई एग्री बहुत सारे लोग लॉस कर रहे हैं, बट आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि रिसेंट डेटा आया है सेबी का, जिसमें आया है अराउंड 14.23% समथिंग आप ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो, अगर मैं ये एक सेकंड ये ओपन कर लेता हूँ है ना, ये इसमें अच्छे से बनेगा, फिर बोलता चल दो कि देखो, अगर 1 करोड़ ट्रेडर है ना तो उसमें 14.22% समझ लो प्रॉफिटेबल है, 14 साढ़े सवा 14 लाख प्रॉफिटेबल है FNO में। वही अगर हम इंट्राडे की बात करते हैं तो इंट्राडे में यही डेटा अराउंड 41% और 46%, मतलब बहुत ऑलमोस्ट 50% समझ लो इंट्राडे में, मतलब जो स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, इतना प्रॉफिटेबल रेशियो है। तो समझ रहे हो, मतलब हाँ पैसा बन रहा है, लोग बना रहे, कमा रहे, बस कहीं ना कहीं जो FNO में जल्दी के चक्कर में आते वो लॉस कर रहे हैं। तो हाँ, उनके लिए आप कोई बैरिकेड लगा दो या कोई नॉलेज प्रोवाइड कर दो, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। फ्री ऑफ नॉलेज आप प्रोवाइड कर दो, इतने सारे अच्छे ट्रेडर्स हैं, आप उनको अलॉट कर दो कि भैया आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ ऐसा करके वो कर दो, तो नहीं। बट अगर आप बैरिकेड लगा दोगे तो फिर नहीं काम चलेगा ना, क्योंकि ऑप्शन स्टिल अवेलेबल, राइट। सो पीपल विल ट्राई समथिंग एल्स है ना। अभी क्या होता था कि फॉर एग्जाम्पल पैसे नहीं है ट्रेड करने के लिए तो आप लोन ले लेते थे, अभी अगर आप इसमें कैपिटल ज़्यादा लगेगा तो वो ज़्यादा लोन लेंगे, ये भी चीज़ तो सोचो आप। प्रॉब्लम बस उतनी नहीं है, बट हाँ ठीक है, अब जो भी अगर होते हैं लाइक एक्सपायरीज कम हो जाती हैं। अब देखो कुल मिला के बोले तो चीज़ें इन्हीं ने बिगाड़ी हैं है ना, अब वो उसको सुधारने के लिए बहुत गलत चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। कि भैया पहले इन लोगों ने एक्सपायरी कर दी वीकली, हर दिन एक्सपायरी कर दी, लॉट साइज कम कर दी, जो जैसा था वैसा ही रहने देते, भले फिर इसमें आप कुछ जो FNO में अभी करने जा रहे हो वो जब कर देते है ना। एक तो आपने चीज़ें बिगाड़ दी, फिर उसको इतनी बद से बदतर कर दी, और फिर उसको सुधारने जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका इम्पैक्ट आपको हो सकता है अभी नहीं बट बाद में कभी भी देखने मिले, बट हाँ इम्पैक्ट तो ज़रूर आपको देखने मिलेगा अगर इसके अकॉर्डिंगली आप कोई रिजेक्शन ले। तो वैसे ही बजट इतना अच्छा दिया है कि आधी देश की जनता का दिमाग घूम गया है। तो छोड़िए, ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती हैं, अभी वो उनकी प्रॉब्लम है, हम देखते हैं हमारा मार्केट क्या कर सकता है। सो अभी देखते हैं, लास्ट 4 डेज हो चुके हैं, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है ना, बहुत वाहियात पना करके रख दिया है ना, जिधर से ट्रेड ले रहे हैं वहीं से रिवर्सल हो रहा है। ये लास्ट के 4 दिन तो यार क्या दिमाग खराब हो गया, इतना दिमाग लग रहा है ट्रेड करने में और उसके बाद आउटकम कुछ नहीं, समझ रहे हो बात को। सो रियली रियली वेरी द वर्स्ट डेज ऑफ माई ट्रेडिंग करियर दीज 4 डेज। तो अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, क्योंकि अगर जो FNO का चल रहा है ये 7 प्रपोजल जो सेबी ने रखे, अगर वो होते हैं इम्प्लीमेंट, देन मार्केट नो डाउट हमको एक फॉल देखने के लिए मिल सकता है, और अगर नहीं हुआ देन ऊपर मार्केट सस्टेन तो कर ही रहा है, ठीक है। और हाँ, US का कुछ अब वो था रेट कट का तो उन्होंने नहीं किए हैं, जो था जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। और एक और अपडेट ये है कि अडानी रिजल्ट आया, ठीक है, मैं ये स्क्रीनशॉट डाल दूंगा आप देख लीजिएगा। सो ये रिजल्ट्स आए हैं कुछ के, और कुछ ज़्यादा अपडेट्स है नहीं है ना, यही थे। तो अभी डे टाइम आपको देख रहा होगा, डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं रिएक्ट किया है, एक्सपायरी हो गई, सब हो गया, कुछ नहीं कर रहा है ना, मंथली एक्सपायरी भी हो गई तो कोई रिएक्शन नहीं है। आज भी आप देख सकते हैं ये ऐसा साइडवेज गया, बट इट इज़ ओनली फॉर ऑप्शन सेलर्स, ठीक है। द थिंग इज दैट इट इज़ ओनली फॉर ऑप्शन सेलर, और स्पेशली मैं आपको बताता हूँ, मैंने खुद ट्रेड किया था अराउंड, मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड किया था, मैंने टॉप पे सेल किया था, यहाँ पे आप मैंने टॉप पे सॉरी टॉप पे मैंने पुट बाय किया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने पुट बाय किया था। जब तक यहाँ पे आया ओनली 70 पॉइंट्स मिले थे उस पर्टिकुलर ट्रेड में, जिसमें मैं 40 लेके एग्जिट कर दिया था। ओनली रीज़न बस यही था कि
कि प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे पुट के, एक स्पाइक में कॉल के प्रीमियम बहुत बढ़ रहे थे बट पुट के नहीं बढ़ रहे थे। बड़ी मुश्किल से 40-50 पॉइंट लेके एग्जिट किया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, 70 मिले। उसके बाद जब ये रिवर्सल हुआ तो पूरा वो जहाँ पे था वहीं पे आ गया। उसके बाद साइडवेज और फिर नीचे, तो बहुत ही वाहियात मार्केट था, कुछ अभी नहीं वर्क कर रहा है। सेलर्स थे देन इट इज़ ओके, फॉर बायर्स इट इज़ वेरी डेडली मार्केट। सो अभी क्या कर सकते हैं, अभी देखो कितने दिन हो चुके हैं मार्केट को एक ही रेंज में। ये देखो 51,330 और ऊपर 52,000, ये है एक रेंज। इस रेंज में जब तक है, भले गैप अप ओपन होके भी नीचे आ जाता है या गैप डाउन ओपन होके भी ऊपर आ जाता है, तो इस रेंज में जब तक है कुछ नहीं करना भैया। अब तो नहीं करने वाला, मैं देख लिया मैंने 2-3 दिन करके नहीं करने वाला। जब तक ये अगर रेंज में हो सकता है ओपन हो और ब्रेकआउट दे दे या ब्रेक डाउन दे दे, देन भले रिस्क ले सकते हैं भैया, बट ऐसे में तो नहीं, अकाउंट ही खाली हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। सो सेम यही सिनेरियो सिंपल सोलॉजी के, कुछ नहीं है बस ये इतने पॉइंट की रेंज, 700-800 पॉइंट ये जितने भी हैं, इससे भैया बहुत संभाल के रहो, फिर देखते हैं मार्केट कहाँ पर रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर फॉल भी करता है तो नीचे भी बहुत बड़े लेवल्स है और इतना साइडवेज हो चुका है, तो एक ट्रेंडिंग मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत समय से एक भी ट्रेंडिंग मार्केट नहीं आया है ना, बहुत समय मतलब 1,000 पॉइंट आता है, बट वो इस प्रकार से आता है कि आपको एंट्री लोगे और पता चला एसेलेट कर दिया और फिर आपके फेवर में चला गया। जैसे पहले नहीं, एक वन साइड अगर शूट किया तो समझ लो 1,000 पॉइंट मार्केट सुबह से बंद होने तक उसी में जाता था, बट अब ऐसा नहीं होता है ना। मुझको तो लगता है शायद 200-300 पॉइंट ही मार्केट रिएक्ट किया है। हाँ 300-350 देखो कुछ नहीं है, बकवास। तो देखते हैं कैसे अभी मार्केट, कल फ्राइडे है वैसे भी, इतना मोमेंटम कुछ खास रहता नहीं है, तो देखेंगे क्या होगा। और 52,000 पे अच्छी खासी सेलिंग है, 51,500 पे थोड़ा बहुत सपोर्ट एंड सेलिंग चल रही है, तो स्टिल मार्केट अभी नेगेटिव दिख रहा है। चलिए निफ्टी देख लेते हैं 30 के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। निफ्टी ने 2 ही काइंड ऑफ पैटर्न बना दिया है, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, इन लोगों ने निफ्टी को सेलर्स के लिए बना दिया, मार्केट कंटिन्यू, अगर जो कॉल सेलर है उनके लिए सही रहा निफ्टी। मैं निफ्टी में नहीं करता ट्रेड, मैं बैंक निफ्टी पे ही फुल्ली फोकस हो गया हूँ, क्योंकि मेरे जो ट्रेड्स बढ़ रहे थे इस कारण से मैंने निफ्टी हटा दिया, अभी मैं बैंक निफ्टी पे सिर्फ फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा मार्केट था ना कहीं ओवर ट्रेड हो जा रहा था, तो अभी उसको बंद करने के लिए अच्छा ये वो आप वेराइटी कम कर दोगे तो आप एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हो, चॉइसेस कम हो जाएंगी, ठीक है। तो वही सिनेरियो रहा यहाँ पे, निफ्टी वालों को तो ठीक ठाक आज प्रॉफिट होगा जो सेल करके रहेंगे, इवन बायर्स को भी, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी तो प्रीमियम अच्छे खासे बढ़ रहे होंगे बट गल भी रहे होंगे, ठीक है। सो वही है, 25,000 स्टिल इंपॉर्टेंट लेवल, नीचे 50 EMA लगा लो, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसके नीचे जाएगा, पुल बैक मिलेगा, देन सेलिंग साइड के लिए देखेंगे। अपर साइड में 25,000 मार्केट ने ऑल टाइम हाई अगेन हिट कर दिया, अब अगर इसके ऊपर सब्सेशन करता है देन हम और ऊपर 25,100 तक के टारगेट्स के लिए देख सकते हैं। सो होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।